क्लास सिक्स के स्टूडेंट ध्यान दें, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ रहे थे, इसके पीछे की जो प्रीवियस चैप्टर थी वो था सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आपको पढ़ाया गया है, इसे स्लाइड भी करा दिया गया है। आज की वीडियो में होगा ग्लोब एंड लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब का अर्थ होता है मॉडल ऑफ अर्थ, यानी एक पृथ्वी की एक मॉडल है जो आपको फिगर में सामने दिख रहा है। जब आप खोलेंगे तो सामने फिगर में आपको दिखेगा ग्लोब्स, वह एक मॉडल है पृथ्वी का। और लेटिट्यूड्स का अर्थ होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स का अर्थ होता है देशांतर। जो ग्लोब्स पर आपकी तिरछे और सीधे खड़े में जो रेखाएं बनी हैं वही अक्षांश और देशांतर है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स हैं। लिखा इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड आवर प्लानेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर स्लाइटली फ्लैट नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड ब्लू इन द मिडिल, यू कैन इमेजिन हाउ इट्स लुक। आपने पिछली चैप्टर में पढ़ा था ग्रहों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सतह के बारे में, फिर उन तारों के बारे में जो उत्तर दिशा में चमकता है, फिर दिखता है उत्तरी ध्रुव में, फिर कैसे ये दिखता है, ये सब आप पढ़े थे। यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन क्लास फर्स्ट। आप क्लास में इसको आप ग्लोब को देख भी सकते हैं, जैसा कि फिगर नंबर 2.1 में आपको दिखाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए ग्लोब्स 2.1 में, ये है ग्लोब्स मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का एक नमूना जिस पर पृथ्वी हमारी कैसी है, हमारे देश का क्या नक्शा है, वर्ल्ड की पूरी यूनिवर्स की क्या नक्शा है। फिर जल जो नीले भाग में दिखाई दे रहा आपको, वह सब जल है, वह पूरी तरह पानी है। आप जानते हैं कि 2/3 पानी है, 1/3 में धरातल है, इस तरह से इसकी बंटवारा है जल की। 2.1 फिगर में देखें ग्लोब को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लोब में भी ये वेरी साइज एंड टाइप, इसकी आकार का कोई निश्चित नहीं है, बड़ा और छोटा भी हो सकता है। बड़ा विच कैन बी कैरिड इजली, जिसको आसानी से ले जा सकता है, एक पॉकेट में रखने वाला भी ग्लोब मिल सकता है। एंड ग्लोब लाइक ए बैलून, गुब्बारे की तरह भी हो सकता है। इसके कई प्रकार और कई साइज होते हैं। विच कैन बी फ्लैटर एंड आर हैंडी एंड कैरिड इन बेस, इजी से आसानी जितना आसानी से आप ले जा सकते हैं उस तरह से इसको बनाया गया होता है। ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन बी रोटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन ऑफ वाटर व्हील इज रोटेड। ये एक जगह फिक्स नहीं है, जैसे कोई कुम्हार अपने बर्तन को बनाने के लिए उस पहिए को जैसे नचाता रहता है, ठीक इसी तरह ये भी एक रोटेड करता है, घूर्णन करता है, गति करता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन इन द करेक्ट साइज, और इस ग्लोब में देश, द्वीप, सागर, ये सब सही सही दशा में, सही आकार में दर्शाए जाते हैं। आता है लेट अस डू, क्या करते हैं, चलिए कुछ करते हैं। टेक ए बिग राउंड पोटैटो और बॉल, जैसा कि हम कोई एक बड़ा सा पोटैटो या बॉल लेते हैं, एंड पार्स निटिंग नीडल थ्रोज इट, फिर इसको सुई से छेदा करते हैं। और दीज नीडल्स क्लैम्प्स एक्सिस ऑन ग्लोब, इसी को मान लिया ग्लोब और सोन ग्लोब। यू कैन नाउ मूव द पोटैटो और बॉल राउंड इस एक्सिस फ्रॉम द लाइट, और इसको आप घुमा सकते हैं राइट लेफ्ट टू राइट, आप इसको घुमाइए देखिए। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ स्पिन टू स्फीयर लाइक अर्थ, और यह कठिन लगता है इसका वर्णन करना, बताना कैसे दिखता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज्ड एज इट हाउ लोकेट आज प्लेस ऑन, और प्रश्न खड़ा होता है कि इस पर हम अपने स्थिति को कैसे दर्शाएंगे, किस तरह से दर्शाएंगे।
We need certain point of reference and lines to find out location of place. लोकेशन उसकी दशा और स्थिति दिखाने के लिए हमको एक निश्चित प्रकार की लाइन की जरूरत पड़ती है ताकि हम ये दिखा सकें कि इस लाइन से इस लाइन के बीच ये फलाना या इस नाम का कंट्री पड़ता है, इस यहाँ से ये कंट्री की इस रेखा के पास से यह गुजरता है, तो इसको हमको एक लाइन की जरूरत पड़ती है, इसको शो करने के लिए लाइन की जरूरत पड़ती है। तो इसी लाइन को हम लोग कैसे शो करते हैं, जैसे कि आपको ग्लोब में दिखाया गया हुआ लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं उस पर दिखाई गई हैं, इन्हीं लाइन की बात कर रहा है ये। उसको लोकेशन को प्लेस को शो करने के लिए पता करने के लिए इसकी लाइन की जरूरत पड़ती है। यू विल नोटिस दैट नीडल ए फिक्स द्रोज द ग्लोब इज टाइल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट सक्सेस। आपने देखा जिस पर आप छेद किए उसी पर घूम रहा है, उसी छेद पर उसी एक्सिस उसी को एक्सिस कहते हैं, अपने ध्रुव पर घूम रहा है। तो टू पॉइंट्स ऑन ग्लोब ध्रुज विच इज निडिल पास आर टू पोल्स। तो जहाँ से एक तरफ से आपने अपने निडिल को इस पार से उस पर ले गया, फिर आप नचा रहे हैं, तो इसमें दो होल बन जाते हैं जहाँ से वह सुई निकला हुआ है आगे की ओर, और जहाँ से आपने घुसाया तो दोनों तरफ पोल बनता है। यही इसका टू पोल्स है, टू पोल्स कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों होल, यानी एक होल को नॉर्थ पोल मान लिया, दूसरे को साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और यह ईस्ट से पश्चिम से पूरब की ओर घूमता हुआ नजर आता है। ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी ईस्ट से ईस्ट से वह घूमता है, पृथ्वी घूमती नजर आती है। वेस्ट टू ईस्ट जस्ट अर्थ मूव, पृथ्वी ऐसे ही घूमती है। आगे देखें, बट रिमेंबर देर इज ए मेजर डिफरेंस द रेविल अर्थ हैज नो सच नीडल। लेकिन आप देखें कि पृथ्वी के अंदर ऐसा कुछ नीडल नहीं है, सुई नहीं है। इट्स मूव अराउंड द एक्सिस, जो एक्सिस पर घूमता रहता है, विच एन इमेजिनरी लाइन, जो एक काल्पनिक रेखा है। अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द ग्लोब डिवाइडेड्स, और इसी तरह से दूसरी काल्पनिक रेखा इस पर ग्लोब बटा हुआ है दो टू पार्ट्स, दो भाग में। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर का हिंदी में होगा भूमध्य रेखा, आप भूमध्य, इसके नाम से ही अगर आप नाम का अर्थ ठीक ढंग से लगाएं तो भूमध्य यानी भू के ठीक मध्य से गुजरने वाला रेखा ही भूमध्य रेखा है। इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न स्फीयर। और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं आप, इसको आधा आधा जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो नॉर्दर्न को उत्तरी ध्रुव और साउदर्न को दक्षिणी ध्रुव के नाम से इसको जानते हैं। ये हेमिस्फीयर है, ग्लोब्स को टू पार्ट्स में ये बांट दिया, वो भी काल्पनिक है, बांटता है। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस टू देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एज इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट ऑफ लोकेट प्लेस इन अर्थ। और यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर इस जगह को बताता है कि अमुक जगह से इस जगह तक है, इस अक्षांश से इस अक्षांश तक है। ऑल पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स कॉल्ड पैरेलल लेटिट्यूड्स, और इसी को हम लोग पैरेलल्स लेटिट्यूड्स यानी अक्षांश के समानताएं कहते हैं। इसको पैरेलल लेटिट्यूड्स का मतलब हो गया अक्षांश की समानताएं कॉल्ड। तो
तो लेटीट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और लेटीट्यूड्स को जो नापते हैं हम लोग उसको डिग्री से नापते हैं, और डिग्री से नाप कर ये पता करते हैं कि ये कौन से अमुक स्थान किस अक्षांश और देशांतर के बीच किस डिग्री के बीच स्थित है, कि इसके आगे जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट किया जाएगा।